आपको बताएं, हुकूमत का दिहाड़ीदार मजदूर मुलाजमत से फारिग अफराद और छोटे कारोबार के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। ईसीसी ने बेरोजगारों के लिए 75 अरब के पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं, बेरोजगार होने वालों को फी कस 12,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि छोटी सनतों और छोटे कमर्शियल सार्फीन के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। मकसद हमारा ये है कि हम समझते हैं कि इन बंदिशों की वजह से जो छोटा कारोबार है वो बड़ी बुरी तरह उसकी जो फीजिबिलिटीज़ हैं, उसके जो वर्किंग कैपिटल है, जो उसके फ्लोज़ हैं, वो मुतासिर हुए हैं। इस स्कीम के ज़रिए छोटी दुकानें जिस तरह दर्जी की दुकान, टेलर की दुकान, मार्केटें जो हमारी कमर्शियल कनेक्शन है वो सब इससे मुस्तफ़ीद होंगी, छोटी सनतें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। 70 KW सबसे छोटा कनेक्शन होता है इंडस्ट्री का, तो ये वो भी इससे मुस्तफ़ीद होगी। और मकसद हमारा यही है कि जो हमारे छोटा और पसमानदा तबका है कारोबार और सनत के अंदर, जो सबसे ज़्यादा जिसकी तादाद 35 लाख है जो इससे मुस्तफीद होगी, हम सबसे पहले उसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जितनी हुकूमत फैसिलिटी उसको दे सके, जितनी हुकूमत उसको इमदाद दे सके। इस प्रोग्राम का नाम वज़ीर आज़म का छोटा कारोबार इमदादी पैकेज है, और इसका अगर मैं बुनियादी नुक्ता आपको ये बताऊं तो वो ये कि हम चाहते हैं कि जब छोटे कारोबार जब भी वो अपना कारोबार का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो उनका अगले 3 माह का बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। और इसको हम नाफिजुल अमल ऐसे लाएंगे कि 5 KW तक का कमर्शियल कनेक्शन जितने लोगों का और जितनी कंपनियों का है, जो कि 95% बनती हैं पूरे पाकिस्तान के कमर्शियल कनेक्शंस का हिस्सा, और 70 KW तक, 70 KW तक इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो कि 80% बनता है तमाम इंडस्ट्रियल कनेक्शंस का पाकिस्तान के, वो इस पॉलिसी से मुस्तफीद होंगे।